नमस्कार किसान साथियों, निखार ब्रदर्स जैविक कृषि फार्म छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव डोंगरगांव ग्राम सोमाझिटिया से आज मैं अपने काले गेहूं की फसल को दिखाना चाहता हूं, जिसमें हमने वेज डिकम्पोजर का कल्चर और वेज डिकम्पोजर से बने हुए सह उत्पाद आपका पत्थर का तत्व, पत्तियों का अर्क और माइक्रोन्यूट्रेंट और जैविक कीटनाशक का छिड़काव इसमें किया गया है। इस काले गेहूं की फसल में शुरुआत से ही जो है वेज डिकम्पोजर का उपयोग किया गया है। बीज उपचार में वेज डिकम्पोजर का इस्तेमाल हुआ, इसके बाद में हमने जैसे ही बीज बोने के बाद हमने पहला पानी दिया जर्मिनेशन के लिए, उस समय भी हमने पानी देने के बाद वेज डिकम्पोजर कल्चर का फुल स्प्रे इस खेत पर हमने किया है। आप देख रहे होंगे कुछ पौधों की जो बालियां हैं वो ज़्यादा लंबी जो है हमको दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों हुआ है ये तो हम नहीं बता पाएंगे। आप देख रहे होंगे खेत में सभी तरफ कुछ पौधों की जो बालियां हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है और बाकी जो है सामान्य हाइट पे दिखाई दे रहा है। इस काले गेहूं की फसल को मेरा बोने का मुख्य मकसद ये था, जिन फसलों की न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे अधिक होती है उसकी ओर मैं हमेशा से ही आकर्षित रहा हूं, और इसे मैंने जब से वेज डिकम्पोजर इस्तेमाल कर रहा हूं तो जैविक तरीके से करने के लिए मैं विभिन्न प्रकार की जिन फसलों की न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक होती है ऐसे फसलों का चुनाव करके मैंने अन्य प्रदेशों से भी बीज मंगाया हुआ है। अभी हम काले चावल की खेती अगले सीजन में हम करेंगे। जिस प्रकार से मैं ये काले गेहूं की फसल ले रहा हूं वैसे ही हम काले धान या काला चावल की खेती हम करेंगे।